सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। आज गल करांगे आई टी एक्ट 2000 इस दे अमेंडमेंट 2008 दी। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ता जो अपडेट समय से मिल सके। तो शुरू कर दें। Which is the act which provide legal information for e-governance in India? देखो इंडिया दे विच ई गवर्नेंस नू लीगलाइज करन दे लई केड़ा एक्ट इंडिया दे विच आया। देखो ये जो एक्ट सी ए है आई टी एक्ट 2000। आई टी एक्ट 2000 की गल करा तो इसनू बोलते ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और ये इन एक्ट होया 9 जून 2000 दे विच, और ये इंप्लीमेंट किया गया से 17 अक्टूबर 2000 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, और इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी है। How many schedules are there in IT Act 2000? देखो जदों IT Act बनिया से उस समय इस दे टोटल किन्ने शेड्यूल से, तो देखो इस दे जो टोटल शेड्यूल से ए सी 4। जदों IT Act बनिया उस समय इस दे 94 सैक्शन, 13 चैप्टर, 4 जो सी ओ शेड्यूल दिते गए से, और ये आई टी एक्ट इंप्लीमेंट होया इंडियंस एंड अदर नैशनलिटीज़ दे। विच सैक्शन ऑफ आई टी एक्ट डील विद द लीगल रेकोगनाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? देखो इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नू लीगलाइज किया गया किस सैक्शन के तहत? तो ये जो सैक्शन से ए सीगा सैक्शन 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। देखो एक्चुअल 1996 दे विच एक मॉडल तैयार किया गया से यूनाइटेड नेशनस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो ये एक मॉडल तैयार किया गया जिन्हों शॉर्ट दे विच UNCITRAL भी बोल देंगे हैं, और इस मॉडल नू अडॉप्ट किया गया आ मॉडल ऑन इलैक्ट्रॉनिक कमर्स, के इलैक्ट्रॉनिक कमर्स दे विच इस मॉडल नू ही यूज़ किया जाएगा। तो जो भी कंट्री इस अपना आई टी एक्ट बनाएगी वो कम से कम इस मॉडल नू आधार बना के ही बनाएगी। तो इसे दे आधार पर जिन्हें भी आई टी एक्ट आया और उसका जो मॉडल तैयार किया गया वो इस मॉडल पर ही बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सी। विच सैक्शन ऑफ आई टी एक्ट डील विद द साइबर टैररिज्म? देखो साइबर टैररिज्म की होंगे, तुम स्लिपिंग सैल वगैरह सुने होंगे। तो स्लिपिंग सैल दे विच की है कि अगर कोई परसन, ठीक है, इंडियन जो कोई एक कम्यूनिटी या कोई परसन जो है वो गवर्नमेंट तो दुखी है, गवर्नमेंट तो नाराज है, तो उन्होंने इंडियनज़ को टारगेट किया जाएगा दूसरी अदर कंट्रीज़ वालों। जो कंट्रीज़ इंडिया दे विच कुछ इस तरह का प्रोपीगेंडा फैलाना चाहते हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोपीगेंडा फैलाना चाहते हैं, तो वो परसन जेड़े है इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन जो सी वो टारगेट करते हैं जो गवर्नमेंट तो दुखी है, और उन्होंने मतलब इस तरह भड़का के उन्होंने इस तरह कह लो कि भावुक करके गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा करते हैं। तो ये सारा कुछ साइबर टैररिज्म के अंडर ही आता है। तो साइबर टैररिज्म के अगेंस्ट जो सैक्शन लागू किया गया से आई टी का वो केड़ा सी? तो देखो ये सैक्शन से सैक्शन 66F। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और तुहानू मैं इत्थे दसदा कि इंडिया किनवीं कंट्री बनी, तो ये 12वीं कंट्री बनी
टू इनेबल साइबर लॉ। तो साइबर लॉ लागू करने वाली पूरे वर्ल्ड की इंडिया पारवीं कंट्री बन चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। विच इज आर कंपोनेंट ऑफ आईटी एक्ट 2000। तो देखो आईटी एक्ट 2000 के केड़े केड़े कंपोनेंट है। लीगल रेकोगनाइजेशन किया गया डिजिटल नेचर का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उस तो बाद रेगुलेशन किया गया सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ नू, ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद डिजिटल सर्टिफिकेट की गल की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो आई टी एक्ट 2000 दे विच ये सारे ही कंपोनेंट जेड़े है उन्होंने लीगलाइज कर दिता गया। सपोज मान लो पहला तुसीं ट्रेन च जांदे सी तो तुहाडे कोल एक हार्ड कॉपी दे विच टिकट होनी चाहिए सी, लेकिन हुण अगर तुसीं मोबाइल ते भी वह टिकट इशू करदे हो तो टी टी ए मनन लई लीगलाइज है कि हाँ तुहाडे कोल ये टिकट है, समझिए ना। तो डिजिटल टिकट भी तुसीं जेड़ी है वह प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। द सेक्शन डील्स विद लीगल रेकोगनाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर नूं लीगलाइज करन दे लई आई टी एक्ट दा जे है केड़ा जो सैक्शन है वह डील करता है। तो देखो ये जो सैक्शन डील करता है ये है फाइव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिफ्थ। मेजर अमेंडमेंट्स टू आई टी एक्ट 2000 वॉज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ आई टी एक्ट 2008 विच केम इन टू इफेक्ट ऑन। देखो आई टी एक्ट 2000 इस अमेंडमेंट की गई और ये अमेंडमेंट करन तो बाद जो एक्ट आया वो एक्ट से आई टी एक्ट 2008 और इस आई टी एक्ट 2008 नूं जो लागू किया गया जो इंप्लीमेंट किया गया वह किया गया 27 अक्टूबर 2009। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 2021 की अगर मैं गल करा तो ऐसे ही आई टी एक्ट 2000 दिया जो न्यू गाइडलाइनस भी आ चुकिया ने, तो ये भी तुसी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। आई टी एक्ट 2000 amended various section of which of the following act। देखो आई टी एक्ट जदों आया, ठीक है, तो इस एक्ट दे अंडर बहुत सारे होर भी एक्ट जेड़े सी ओ अमेंड करन दी जरूरत पई। तो पूछा गया कि केड़े केड़े एक्ट ओ अमेंड किते गए, जिवें कि इंडियन पैनल कोड जेड़ा सीगा ओ एक्ट किता जेड़ा सीगा एक्ट 1860 दा इसनू चेंज किता गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो सी इसनू अमेंड किता गया, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जिहड़ा सी अमेंड किया गया और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 भी अमेंड किया गया। तो इस आई टी एक्ट 2000 के तहत बहुत सारे एक्ट सिगे जिन्हों अमेंड किया गया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी सी सी ए, तुहानू सी सी ए की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी एक किसते अंडर काम करता है। देखो ये अंडर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो इसका हेडक्वार्टर कितने से, तो याद रखियो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। विच एक्ट इन इंडिया फोकस ऑन डाटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अते डाटा जो है उसकी प्राइवेसी दे लई इंडिया च केड़ा एक्ट जेड़ा है वह लागू किया गया, आई टी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विच सैक्शन ऑफ आई टी एक्ट डील विद हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखो अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम नू हैक करता है तो ये एक लीगल एक्टिविटी है और इस लीगल एक्टिविटी नू आई टी एक्ट 2000 दे अंडर किस सैक्शन दे तहत जेड़ा है पनिश किया जा सकता है, तो ये है सैक्शन 66। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। और किन्नी पनिशमेंट, तो याद रखियो 3 साल इंप्रिजनमेंट अते 5 लाख रुपया जेड़ा है वह फाइन किया जा सकता है।
अगर तो 66B पूछ लें तो देखो इस दे विच जो इलीगल एक्टिविटी मनी जाती है वह है तुसी कोई कंप्यूटर रिसीव कर दियो चोरी किया हो ठीक है तो रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर या कोई भी ऐसी चोरी की हुई कम्यूनीकेशन डिवाइस मतलब कम्यूनीकेशन डिवाइस भी ये सारिया आ जाएगा ठीक है तो कम्यूनीकेशन डिवाइस भी इस दे विच आ जाता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। Which section of IT Act was invalidated by Supreme Court of India? देखो Supreme Court of India ने IT Act का केड़ा सैक्शन जेड़ा सी ओ invalid करार दिता देखो ये सैक्शन सी सैक्शन 66A पर होया कि देखो IT Act 2000 इस दे विच अमेंड हुई तो बनिया IT Act 2008 ठीक है इस एक्ट के अंडर दो नवे सैक्शन ऐड किए गए 66A ऐड किया गया और 69 ऐड किया गया 66 ऐड किया गया और एक ही कहता सी देखो ये कहता सीगा कि जिन्ना भी ऑफेंसिव मैसेज है ठीक है कोई ऐसा मैसेज जिस तो दूसरे परसन नू मतलब भावनात्मक तरीके नाल कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके खिलाफ वो केस कर सकता सी ठीक है उसके खिलाफ मतलब जेड़ा सी ए 66A एक्ट कम करता सीगा लेकिन ये जेड़ा ऑफेंसिव मैसेज वाला कॉन्सैप्ट इनू बहुत सारे लोगों ने जेड़ा सीगा वह कह लो कि गलत तरीके नाल इस्तेमाल करना शुरू करता सीगा ठीक है मतलब ये कहता सीगा कि अगर मैं किसी नू मैसेज भेजा और उसनू उसका बुरा लग्या तो वह मेरे विरुद्ध कंप्लेंट कर सकता है हुण बुरा लगन की जो डेफिनेशन से वो क्लीयर नहीं की सी इस करके निक्की निक्की गलते ही केस जिहड़ा सी कीता जा रहा सी तो ये एक तरह ना जो गलत परसन सी वो इसका गलत इस्तेमाल भी करते पे से जिस करके 66A जिहड़ा सी वो कैंसल किया गया सी इस नू अनकॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा सी वो करार दिता गया सी उस तो बाद आ गया 69 अगर मैं 69 की गल करा तो ये की है ये जो अथॉरिटी सी उसनों ये पूरी पावर दिती गई कि जिस दे खिलाफ कंप्लेंट है उसका कंप्यूटर वो लै सकती है उसका पूरा डाटा लै सकती है फिर वो चाहे प्राइवेट ही डाटा क्यों ना रखी बैठा हो अपने कंप्यूटर च वो भी यूज़ कर सकती है ठीक है तो ये 69 दे विच कॉन्सेप्ट ऐड होया और 66A दे विच जिहड़ा ऑफेंसिव मैसेज का ऐड होया तो ये जिहड़ा मतलब आई टी एक्ट 2008 से ये अंडर जो ये 66A से इसनू ठीक है जिहड़ा से इनवैलिड करार दिता गया से What is the penalty for publishing image of a person private parts without consent as per IT Act 2000? IT Act 2000 दे अंडर अगर किसी person दा without उसकी permission ठीक है कोई भी ऐसी image publish की जाती है जो एक उसते किसी भी person दे private parts नू show करती है तो वो एक illegal activity मनी जाती है और इस illegal activities दे लिए जो imprisonment है जो सजा है वो केड़ी है तो याद रखियो 3 साल का imprisonment है और 2 लाख की या तो सज़ा दी जाती है या दोनों ही बहुत या 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपया हरजाना जोड़ा उसनों भरना पड़ेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। देखो इस दे नाल ही मिलता जुलता एक होर कॉन्सैप्ट तुसी याद रखो फोटो मॉर्फिंग देखो फोटोमॉर्फिंग की होंगे फोटोमॉर्फिंग तुसी की करते हो मान लो एक परसन मेल या फीमेल की कोई पिक है और उसका सिर कट के किसी होर का सिर लाता नूड किसी पिक ते किसी मतलब परसन का मतलब जिहड़ा सिर ला के उस पिक नू पबलिश करता तो इसनों बोलते हैं मतलब फोटो नू चेंज कर देना मतलब जवान तो बजुर्ग बना देना बजुर्ग तो जवान बना देना ठीक है नूड पिक जिहड़ी हैगी आ उह लैके आनी तो यह सारा फोटोमॉर्फिंग का ही काम है तो इस दे विच जो सज़ा दी जाती है वह 7 साल की सजा दी जाएगी ठीक है अगर मतलब अगर किसी लड़की दी फोटो नू फोटोमॉर्फिंग दे विच मतलब किया गया तो अगर वो 18 साल तो घट है तो उस परसन नू इलीगल एक्टिविटीज़ के तहत 10 साल की सज़ा अते जो प्लस फाइन जेड़ा हैगा वो पाया जाएगा। विच सैक्शन ऑफ आई टी एक्ट डील विद चाइल्ड प्रोनोग्राफी तो चाइल्ड प्रोनोग्राफी के तहत केड़ा आई टी एक्ट जेड़ा हैगा सैक्शन डील करता है तो यह सैक्शन डील करता है 67B तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। देखो 67A भी अगर तुहानू पूछ लें तो याद रखियो इसका मतलब है पबलिशिंग इमेज कंटेनिंग
सेक्सुअल एक्ट। तो इमेज जेड़ा है जिस दे विच कोई सेक्सुअल एक्ट है अगर वह भी पब्लिश किया जाता किसी वालों तो वह भी एक इलीगल एक्टिविटी है और ये 7 साल की सज़ा 10 लाख तक का हर्जाना दिता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। विच एक्ट इन इंडिया फोकस ऑन डाटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नू डील करता हुआ एक्ट तो यह है IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। Which among following act is not amended in Information Technology Act 2000? देखो IT जो एक्ट आया 2000 का ये द्वारा कई तरह के होर एक्ट भी अमेंड किए गए, आप ऊपर पढ़ के भी आए हैं। तो इतने दसया जा रहा है कि IT एक्ट 2000 के तहत जो अमेंड नहीं किया गया वो इन्हां विचों केड़ा एक्ट से। ठीक है, बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट ए अमेंड किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट अमेंड किया गया, RBI एक्ट 1934 अमेंड किया गया, तो BSNL IT पॉलिसी जी सी वो चेंज नहीं की गई सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है बी। विच इज़ द अपील कोर्ट ऑन द ऑर्डर इशूड बाय साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो अगर IT एक्ट नाल रिलेटेड कोई अपील है, ठीक है, तो वह कितने जाएगी? तो याद रखियो हाई कोर्ट के विचों की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। वट इज़ द पेनल्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड। देखो अगर किसी कंप्यूटर के सोर्स कोड जोड़े है वह डिस्ट्रॉय कर दिते जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं, तो इस पेनल्टी जी है वह लगती हैगी है। देखो इस दे जो पेनल्टी लगती है वह है 3 ईयर इनप्रिजनमेंट, 2 लाख रुपीज़ पेनल्टी, या दोनों ही लगते हैं, या तो 3 साल की सज़ा या 2 लाख रुपीज़ फाइन, या दोनों ही जड़े है वह देने पैणगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है डी। वट इज़ द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थैफ्ट इन IT एक्ट। देखो IT एक्ट के द्वारा अगर किसी की आइडेंटिटी चोरी होंगी है तो इस दे तहत IT एक्ट के द्वारा केड़ी पनिशमेंट दी जाएगी? तो देखो ये पनिशमेंट है 3 ईयर इनप्रिजनमेंट, 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी, या दोनों ही। देखो अगर मान लो किसी का ID चोरी हो गया या किसी का पासवर्ड जोड़ा है वह तुम चोरी कर लें, तो इस दे तहत जो सज़ा दी जाती है ओ 3 ईयर प्रिजनमेंट, ठीक है, या 1 लाख रुपीज़ का फाइन दिता जाता है, या फिर दोनों ही इस सज़ा जी है वह उसनू भुगतनी पाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है सी। द फॉलोइंग पनिशमेंट इज मैंशनड इन विच सैक्शन ऑफ IT एक्ट 2000। तो देखो एक मतलब पनिशमेंट दिती है, आप दसना कि यह पनिशमेंट किस सैक्शन के अंडर आती है। 3 ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट और 5 लाख रुपी पेनल्टी फॉर फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बारी अगर कोई इलीगल एक्टिविटी की है तो उन्होंने 3 साल की सज़ा और 5 लाख का जोड़ा है हर्जाना भरना पेगा, और अगर उसने दूसरी बार उ गलती की, ठीक है, तो उसको 5 लाख रुपया जोड़ा है 5 ईयर इंप्रिजनमेंट और 10 लाख रुपया जोड़ा उसको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन जोड़ा है वह किस सैक्शन के अंडर आता है? तो ये सैक्शन जोड़ा है वह है 67 सैक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। विच आर द सैक्शन ऑफ IT एक्ट इम्प्लीकेबल फॉर साइबर प्रोनोग्राफी। देखो साइबर प्रोनोग्राफी ना रिलेटेड इन्हों विचों केड़े IT एक्ट दे सैक्शन डील करते हैं? तो 67, 67A और 67B ये तीनों ही जोड़े है वो साइबर प्रोनोग्राफी दे विच डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। Which of the following is not a type of
पीयर टू पीयर साइबर क्राइम, देखो पीयर टू पीयर साइबर क्राइम इन्हां विचों केड़ा नहीं है? तो देखो पीयर टू पीयर साइबर क्राइम च की होएगा कि अगर कोई कंप्यूटर जेड़ा उसनू हैक किया गया, उस दे विच वायरस इनक्लूड करके उसका डाटा चोरी किया गया, लेकिन इस दे विच पुछे नॉट, तो नॉट दे विच की होएगा कि क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है वह लीक की जाती है इन डीप वैब, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा डी। Which of the following is not a type of peer-to-peer cybercrime? इन्हां विचों केड़ी peer-to-peer cybercrime दी टाइप नहीं है? तो ओ क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक करना इन डीप वैब ए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। एनी डिजिटल कॉन्टेंट विच एनी इंडिविजुअल क्रिएट एंड इज नॉट एप्लीकेबल टू द सोसाइटी, तो इट इज़ अ साइबर क्राइम दैट कम्स अंडर डैश आई टी एक्ट। देखो कोई भी एक डिजिटल कॉन्टेंट, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल वालों क्रिएट किया गया जो कि अपनी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उस जो एक्सेप्टेबल नहीं, तो वह एक साइबर क्राइम है। सपोज कोई मतलब नूड पिक पाती, कोई सेक्सुअल कंटेंट पाता या कुछ भी, ठीक है, जो ऐसा जो सोसाइटी जिहड़ी है उसनों एक्सेप्ट नहीं करती, तो एक तरह का वो साइबर क्राइम मन्या जाता है। और पूछा जाता है इत्थे कि किस मतलब केड़े आई टी एक्ट दे अंडर केड़ा सैक्शन है जो डील करता है इस चीज़ नूं, तो वो डील करता है 67, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। मिस यूज ऑफ अ डिजिटल नेचर फॉर द फ्रॉड परपज कम अंडर डैश ऑफ आई टी एक्ट। देखो फ्रॉड करन दे लई जो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाता है, जो अथॉरिटी यूज़ की जाती है, ठीक है, तो ये एक तरह नाल क्राइम है। तो ये आई टी एक्ट के अंडर केड़े सैक्शन के अंडर एक क्राइम आता है? तो ये आता है सैक्शन 72 के अंडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। सैक्शन 79 ऑफ द इंडियन आई टी एक्ट डिक्लेयर दैट एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और परसनल डाटा लीकज इन कॉरपोरेट फर्म और ऑर्गनाइजेशन विल बी पनिशेबल। देखो किसी भी ऑर्गनाइजेशन का, किसी भी फर्म का जो डाटा है, जो परसनल डाटा है, अगर वो लीक होंदा है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी लीक करती है या थर्ड पार्टी के द्वारा उसको लीक किया जाता है, तो ये भी एक पनिशमेंट जिहड़ा हैगा वो कह लो कि एक्टिविटी मनी जाती है। तो ये सैक्शन 79 के अंडर मनी जाती है। तो की ये स्टेटमेंट राइट है या रोंग है? तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जी को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ताजो अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ दीडियोज़ देखने मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।